गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। आपके सामने दिए गए पिक्चर को देखकर सभी पिक्चर्स को बनाना है। टेस्ट शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक बातें। यह टेस्ट आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, जिसमें आपको इमेज दिखाई जाएंगी और आप सभी को उन्हें देखकर बनाना है। टेस्ट के लिए केवल 45 मिनट का समय दिया जाएगा। कोई भी छात्र एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। अगर कोई छात्र ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इस टेस्ट में आप सभी को कुल 4 चित्र दिए जाएंगे। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और पेंट की फाइल को ओपन करें। आइए अब टेस्ट शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो चित्र बनाना है वह कुछ इस प्रकार से है। पहला चित्र टीवी का है, दूसरा फूल का है और तीसरा चित्र जो कि कार्टून का है और सबसे लास्ट में जो कि डॉग का है। इन सभी चित्र में वही टूल उपयोग किए गए हैं जिनके बारे में आपने मॉड्यूल 2 में सीखा है। सामने दिए गए चित्र को देखें और आप सभी इस चित्र को बनाकर दिखाएं और उसे अपने नाम और डेट के साथ पिक्चर फोल्डर में सेव करें और फिर अपने टीचर से दिखाएं। अब आप सही आंसर के लिए वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर 1 को सिलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, कलर 2 को सिलेक्ट करें, दोनों में सेम कलर को लें, फिल पर जाएं, सॉलिड कलर पर क्लिक करें और यहां पे ऐसे ड्रैग कर दें राउंडेड रेक्टेंगल को। फिर उसके बाद कलर 2 कलर 1 दोनों को ब्लैक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और उसके बाद यहां पे ऐसे ड्रैग कर दें। कलर 1 को सेलेक्ट करें, कलर चेंज करें, कलर 2 को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, यहां पे ऐसे ड्रैग कर दें एक बॉक्स को। उसके बाद फिर यहां पे एक और बॉक्स को ड्रैग कर दें। कलर 2 को चेंज करें, सेलेक्ट पे जाएं, यहां से इसको सेलेक्ट कर लें। और फिर इसे सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पेस्ट कर लें और उसके बाद पिक करके यहां पे लेकर आएं। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से एक बार और पेस्ट कर लें, पिक करके यहां पे रखें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर एक बार और पेस्ट कर लें और इसे पिक करके यहां पे रख दें। कलर 1 को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है।
यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप यहाँ से रोटेट कर लें। कलर टूल को वाइट करें, यहां से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लें, फिर यहां पे रेक्टेंगल टूल को ड्रैग कर लें। साइज पर जाएं, क्लिक करें, साइज को सेलेक्ट कर लें, लाइन टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद यहां पे ऐसे लाइन को ड्रैग कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहां पे ऐसे एक और लाइन को ड्रैग कर दें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। पिछली चित्र को सेव करने के बाद अब आपका एक नया ड्राइंग शीट को ओपन करें। अब इस चित्र को देखें और बताएं कि इस चित्र में जो दिखाया गया है उसे क्या कहते हैं। यह चित्र फूल का है। अब आप इस चित्र को बनाकर दिखाएं और अपने नाम के साथ साथ में डेट और टू लिखकर पिक्चर फोल्डर में सेव करें। अब आप अपने टीचर को दिखाएं और सही आंसर के लिए वीडियो को देखें कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लें, साइड से, उसके बाद अपने पॉइंटर को पेंट के शीट पे लेकर आएं और रेक्टेंगल टूल को ड्रैग कर दें। फिर उसके बाद कर्व टूल को सेलेक्ट करें, यहां पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग कर लें और फिर उसे ऐसे रोटेट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहां पे ऐसे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे भी रोटेट कर लें। फिर एक और कर्व टूल को ड्रैग करें ऐसे और यहां से ऐसे रोटेट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहां पे ऐसे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें, उसे भी रोटेट कर लें। फिर यहां पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और यहां से रोटेट कर लें। फिर यहां पे ऐसे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें, यहां से ऐसे रोटेट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहां से ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें, रोटेट करें उसे, फिर क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहां पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें, रोटेट करें, फिर उसके बाद एक और यहां पे ऐसे ऊपर की तरफ कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट कर लें।
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप सेलेक्ट टूल पे जाएं, और यहाँ पे ऐसे पूरे को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर इसे कॉपी पेस्ट कर लें और यहाँ पे पिक करके लाएं। रोटेट पे जाएं, फ्लिप हॉरिजेंटल को सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद इसे पिक करके इधर की तरफ यहाँ पे ऐसे रख लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आए, कर्व टूल को सिलेक्ट करें, फिर ऐसे एक कर्व टूल को ड्रैग करें और फिर उसे यहां से रोटेट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट कर लें। यहाँ पे ऐसे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट कर लें, फिर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे ऐसे फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करें कर्व टूल को और रोटेट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट टूल पे जाएं, सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट कर लें और यहां से इसे सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करने के बाद रोटेट पे जाएं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दें और उसके बाद इसे पिक करके यहाँ पे रख दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद आप इरेजर टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऐसे इरेज कर लें यानी कि मिटा दें। फिर से आप कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लें और इसे रोटेट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट कर लें। फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें, रोटेट कर लें कर्व टूल को जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है।
सेलेक्ट टूल पे जाएं, सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट कर लें। इसे सेलेक्ट करने के बाद पिक करके बीच में यहाँ पे रखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद ब्रश टूल पे जाएं, एयर ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ऐसे एयर ब्रश टूल के द्वारा कलर को फिल कर दें। फिर उसके बाद कर्व टूल को सेलेक्ट करें, यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लें। और उसे ऐसे नीचे की तरफ रोटेट कर दें। फिर यहाँ पे ऐसे एक सीधी कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट कर लें। और उसे नीचे की तरफ थोड़ा कर लें। अगर गलत हो जाता है तो उसे अंडू करके हटा लें। फिर आप सेलेक्ट टूल पे जाएं, सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लें और फिर कॉपी पेस्ट कर लें। अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं और इसे रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दें और पिक करके यहाँ पर लेकर आएं, यहाँ पे रख दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर ब्रश टूल पे जाएं, एयर ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लें, कलर को चेंज करें, साइज पर जाएं, साइज को चेंज करें और यहाँ पे ऐसे एयर ब्रश टूल के द्वारा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कलर को भर लें। जैसे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे वैसे कलर को भर लें। कलर को भरने के लिए आप अपने माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को दबा के रखें और फिर उसे मूव कराते रहें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद फिल विथ कलर को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें और यहाँ पे कलर को भर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। पेंसिल टूल को सेलेक्ट करें, कलर को ब्लैक करें। जब आप कलर भर रहे थे तो पूरे शीट पे कलर आ गया क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप था। फिर उसके बाद कलर वन को चेंज करें, फिल विथ कलर को सेलेक्ट करें और फिर कलर को फिल कर दें यहाँ पे ऐसे।
फिर से आप पेंसिल टूल को सेलेक्ट करें, कलर वन को सेलेक्ट करें, उसे ब्लैक करें। और यहाँ पे ऐसे पेंसिल टूल के द्वारा मिला दें। कलर वन को चेंज करें, फिल विद कलर को सेलेक्ट करें। कलर को चेंज करें, यहाँ पे कलर को फिल कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप कलर वन को चेंज करें, ब्रश टूल पे क्लिक करें, एयर ब्रश टूल को सेलेक्ट करें। साइज पर क्लिक करें, दूसरे नंबर के साइज को सेलेक्ट करें और ऐसे एयर ब्रश टूल के द्वारा ऐसे कलर को भरते हुए बना दें या फिर एयर ब्रश टूल के द्वारा चित्र को बना दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप सेलेक्ट टूल के द्वारा सेलेक्ट कर लें इसे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर इसे कॉपी पेस्ट कर लें और उसके बाद पिक करके यहाँ पे रख लें। इसके साइज को थोड़ा कम कर लें ऐसे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर एक बार और पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे रख लें और यहाँ से इसके साइज को ऐसे ड्रैग करके कम कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। बाहर चला जाता है, इसको पिक करके यहाँ पे अंदर की तरफ कर लें। फिर एक बार और पेस्ट कर लें, पिक करके यहाँ पे रखें और इसे छोटा कर लें। एक बार और पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे लाएं और इसे छोटा करके यहाँ पे रख दें। फिर एक बार और पिक करके लाएं, यहाँ पे रखें और इसके साइज को थोड़ा कम करके यहाँ पे रख दें। एक बार और पेस्ट करें, इसके साइज को यहां से कम करें, पिक करके यहां पे रख दें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। अब आपको कार्टून के चित्र को बनाकर दिखाना है और फिर से इसे अपने नाम और डेट के साथ पिक्चर फोल्डर में सेव करना है और अपने टीचर को दिखाएं। सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और आंसर को मिलाएं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी फिल विद कलर को सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज करें और अपने शीट पे कलर को भर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद ओवल टूल को सेलेक्ट करें, कलर टू को वाइट करें, फिर यहाँ पे ऐसे एक ओवल को ड्रैग कर दें। फिर उसके बाद कलर टू को सेलेक्ट करें, उसमें कलर को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें और इस ओवल के ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करें और उसे कट कर लें। फिर उसके बाद
अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं, कर्व टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग कर दें। उसके बाद यहाँ से ऐसे रोटेट करें, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ इसे रोटेट करें और एक बार क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसके बाद ऐसे रोटेट करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे फिर एक और कर्व टूल को ड्रैग करें उसके बाद यहाँ पे ऐसे उसके बाद आप सभी यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें फिर उसे ऊपर की तरफ रोटेट कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से कलर टूल को चेंज कर लें और इसे सेलेक्ट टूल पर जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें और फिर इसे पूरे को सेलेक्ट कर लें और कॉपी पेस्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद इसे पिक करके यहाँ पे रखें, बैकग्राउंड इसका अगर ऐसे आ रहा है तो फिर इसे चेंज करने के लिए सेलेक्ट टूल पे जाएं और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद रोटेट पे जाएं, क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल विकल्प को सेलेक्ट कर लें और इसे पिक करके यहाँ पे रख दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को कलर टूल पे लेकर आएं, वाइट करें इसे, ओवल टूल को सेलेक्ट करें, यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लें। उसके बाद सेलेक्ट टूल पे जाएं, क्लिक करें और इस ओवल को सेलेक्ट कर लें। फिर आप इसे कॉपी पेस्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस ओवल को सेलेक्ट कर लें फिर इसे कॉपी पेस्ट कर लें और उसे पिक करके यहाँ पे रख लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर वन कलर टू दोनों को व्हाइट कर लें, ओवल टूल को सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ओवल को ड्रैग कर लें और इसे पिक करके यहाँ पे रख लें। फिर आप कर्व टूल को सेलेक्ट करें, पॉइंटर को पेंट के सीट पे लेके आए, यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और फिर उसे ऐसे रोटेट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद दूसरे यहाँ पे कर्व टूल को ड्रैग करें और फिर उसे रोटेट कर लें। कलर टू को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें,
सेलेक्ट टूल पे जाएं, इसे सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दें और पिक करके यहाँ पे लेकर रख दें। अब इसे रोटेट करने के लिए अपने पॉइंटर को रोटेट विकल्प पे लेकर आएं, क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट करें और उसे यहाँ पे पिक करके रख दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद कर्व टूल पे क्लिक करें, यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे रोटेट कर लें। अगर मिस्टेक होता है तो आप उसे अंडू करके हटा सकते हैं और फिर दोबारा से बना भी सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोबारा से कर्व टूल को ड्रैग करें, उसे रोटेट कर लें, फिर उसके नीचे ऐसे ठीक एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे भी रोटेट कर लें। सेलेक्ट टूल पे जाएं, सेलेक्ट कर लें और फिर इसे ऐसे सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद इसे कॉपी पेस्ट कर लें और उसे पिक करके यहाँ पे रख लें। रोटेट पे जाएं, क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल विकल्प को सेलेक्ट कर लें और इसे पिक करके यहाँ पे रखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टू को व्हाइट करें, फोर पॉइंट स्टार को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ पे ड्रैग कर दें। अब आप कर्व टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग कर लें और उसे ऐसे रोटेट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को कलर टूल पे लेकर आएं, कलर को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट टूल पे जाएं, और फिर इसे सेलेक्ट कर लें और कॉपी पेस्ट कर लें। पिक करके यहाँ पे इसे रख दें। रोटेट पे जाएं, क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपका यह कॉपी पेस्ट किया हुआ रोटेट हो जाएगा, और इसे पिक करके थोड़ा सा इधर रख दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें, यहाँ पर ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट कर लें। फिर उसके बाद एक और कर्व टूल को ऐसे ड्रैग करें और फिर इसे रोटेट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप इस चित्र को कंप्लीट कर सकते हैं या बना सकते हैं। आज के टेस्ट का आखिरी चित्र जो कि एक डॉगी का है, अब आप इस चित्र को बनाएं और फिर से सेव करें, जैसे कि बताया गया है। अब आप अपने टीचर को दिखाएं, सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और आंसर को मिलाएं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। आप सभी अपने पॉइंटर को ओवल टूल पे लेकर आएं, सेलेक्ट कर लें, कलर वन को चेंज करें
या फिर ब्लैक कलर रखें और इसे ड्रैग कर दें ऐसे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद साइज पे जाएं, ओवल के साइज को चेंज कर लें। सेलेक्ट टूल पे जाएं, सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इस ओवल के नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लें, फिर उसे कट कर लें। उसके बाद कर्व टूल को सेलेक्ट करें और उसे ऐसे रोटेट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे ऐसे नीचे की तरफ रोटेट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर मिस्टेक होता है तो उसे अंडू करके हटा लें और फिर दोबारा से ड्रैग करें कर्व टूल को, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर उसे नीचे की तरफ ऐसे रोटेट कर लें। उसके बाद सेलेक्ट टूल पे जाएं, यहां से ऐसे इसे सेलेक्ट कर लें, फिर आप कॉपी पेस्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट टूल पे जाएं, क्लिक करें, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को चेक कर लें, फिर रोटेट पे क्लिक करें। उसके बाद फ्लिप हॉरिजेंटल विकल्प पर क्लिक कर दें और इसे पिक करके ऐसे यहाँ पे रखते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद आप ओवल टूल को सेलेक्ट करें कलर वन कलर टू दोनों में ब्लैक कलर लें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे ऐसे एक ओवल को ड्रैग कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टूल को व्हाइट करें, कर्व टूल को सेलेक्ट करें और यहां पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग कर लें और उसे ऐसे नीचे की तरफ रोटेट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर कलर वन कलर टू दोनों को ब्लैक कर लें, ओवल टूल को सेलेक्ट कर लें, फिल सॉलिड कलर ले लें और ऐसे ओवल टूल को ड्रैग कर लें। उसके बाद कलर टूल को व्हाइट करें, और यहां पे ऐसे एक ओवल को ड्रैग कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर वन को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट टूल पे जाएं, सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट कर लें और फिर इसे सेलेक्ट कर लें और इसे कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद पिक करके यहाँ पे ऐसे रख दें। एक और ओवल को पेस्ट कर लें और उसे पिक करके यहाँ पे रख लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है।
ब्रश टूल पे जाएं, यहां से ब्रश को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहां पे ऐसे ब्रश टूल के द्वारा कलर को भर लें। दोनों तरफ जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें और फिर ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर उसे रोटेट कर लें। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे, फिर उसके बाद एक और कर्व टूल को ऐसे ड्रैग कर लें और उसे रोटेट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट टूल पे जाएं और इसे सेलेक्ट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें, पिक करके यहाँ पे लाएं, रोटेट पे जाएं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, रोटेट को सेलेक्ट कर लें और उसे पिक करके यहाँ पे रख लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने पॉइंटर को कर्व टूल पे लेकर जाएं, फिर ऐसे नीचे की तरफ कर्व टूल को ड्रैग कर लें और यहां से ऐसे रोटेट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहां पे ऐसे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और फिर उसे रोटेट कर लें। उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे भी रोटेट कर लें। एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे भी ऐसे रोटेट कर लें। फिर से एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे भी ऐसे रोटेट कर लें। फिर उसके बाद यहां पे कर्व टूल को ड्रैग करें और इसे ऐसे रोटेट कर लें। सेलेक्ट टूल पे जाएं, और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लें। रोटेट पे जाएं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करें और इसे पिक करके यहां पे ऐसे रख लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कर्व टूल को सेलेक्ट करें यहां पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग कर लें और फिर उसे रोटेट कर लें। एक और ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे ऐसे रोटेट कर लें।
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक और ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट कर लें। फिर यहाँ पे ऐसे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे भी रोटेट कर लें। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट कर लें। सेलेक्ट टूल पे जाएं, सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऐसे इसे सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लें। रोटेट पे जाएं, क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल विकल्प को सेलेक्ट कर लें और इसे पिक करके यहाँ पे ऐसे रख दें। अब इस वाले ओवल को सिलेक्ट करें और इसे कट कर दें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। क्योंकि आज का प्रैक्टिकल टेस्ट की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने पेंट की फाइल को क्लोज करें और अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। अब आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपको पास होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप अगले भाग के लिए क्वालिफाई मतलब कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, जिससे आपको फिर से इस मॉड्यूल को रिवाइज करना पड़ेगा। अब आप रिटन टेस्ट के लिए तैयार रहें जो कि कंप्यूटर शिक्षा की तरफ से लिया जाएगा।